यह है मुंबई शहर, हिंदुस्तान की बिजनेस सिटी। यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। अबे तेरी तो दिखता नहीं है क्या? पूरा बोनट तोड़ दिया। अबे यार अंधा है क्या? बाजू हटो, बाजू हटो, चले चले आगे भाई साहब प्लीज। इंश्योरेंस सफर के ले लो साहब, मैं गरीब आदमी, तो भीख मांगो। क्या कहते हैं भाई, ये क्या हो रहा है? अमीर गरीब का झगड़ा हो रहा है। आप चलिए, आप चलिए, लाइसेंस निकालो, लाइसेंस निकालो भाई, नुकसान हुआ उसका। अरे बापू, ये लो बेटे, चलो ठीक करा दो। चलो जी साहब, जी साहब, अब चलो। शुक्रिया साहब, चलिए आप लोग चलिए प्लीज प्लीज। इससे नोटा खींचना चाहिए था, उसी के हाथ हमें नोटा दे डाले। अरे कुछ सेटलमेंट करा देते तो चाय पानी का खर्चा तो नहीं कराता। नहीं इकबाल भाई, दोनों हालातों में उस गरीब टैक्सी वाले का ही नुकसान होता। वाह बापू, तू हमेशा बापू ही रहेगा। इन्हें लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी हरकतें बापू जैसी ही हैं। हमारे बापू पुलिस फोर्स में हैं, इन्हें भी बापू की तरह हिंसा से नफरत है। हाँ लेकिन ये कभी नाकामयाब भी नहीं हुए। ना इकबाल भाई, मारा नहीं करते, ये लीजिए पकड़िए। इन्हें शराब पीना, जुआ खेलना कुछ नहीं आता, ये बस क्रिकेट खेलना जानते हैं और अपना आराम का कीमती समय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में और खिलाने में बिता देते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, ये अपनी इंसानियत जानवरों के साथ भी बड़ी खुशी से निभाते हैं। ये बच्चे कितने खुश हैं। बच्चों की खुशी की और कई मिसालें हैं जो बयान नहीं की जा सकती। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाइयों, अरे एक बार तुमको वादा करता है कि हम तुमको बस में जरूर चलाएंगे। बच्चों की जब बात चली है तो मैं बताऊं, इनकी सिर्फ एक बेटी है, अंतरा। ये अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उसे अपनी माँ कहकर पुकारते हैं। इनका अगर बस चलता तो ये ढेर सारे बच्चे पैदा करते, लेकिन नहीं, इनकी पत्नी मंथरा का ख्याल थोड़ा ऊंचा है। ये ब्यूटी पार्लर में मुलाजिम है। ये लो, कीप द चेंज। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस वाले से नहीं लेती। कैसी बातें करती हो, इंस्पेक्टर की बीवी हो तो क्या हुआ? इतनी मेहनत की है तुमने, रख लो। रख लो ना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। बुरा मान जाऊंगी भंगन कहीं की? सिर्फ 10 रुपए देती है और कहती है खर्च कर करके हैरान हूँ। इंस्पेक्टर पाटिल है इसलिए, अगर राम प्रसाद जैसा टकरता ना उसे तब उसका दिमाग ठिकाने रहता। लेकिन राम प्रसाद तो मेरी किस्मत में लिखा था ना, 5 महीने से एक नई सैंडल के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं उन्हें। बार बार वही पुरानी चप्पल मोची से ठीक करवा के ले आते हैं, अब वही चप्पलें मुझे घिसनी पड़ेंगी इस ब्यूटी पार्लर में 1200 तक। हाँ अरे मन्नू भाई, हाय बेबी, लगता है नाराज हो। ये है मन्नू भाई, इनका काम है बड़ी बड़ी बातें करना और झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करना। तो आया था, लगता है मेरे बिना मन नहीं लगता है। यहाँ के छोटे छोटे लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं तो तंग आ गई। आप जैसे लोग थोड़ी ना आते हैं ब्यूटी पार्लर में। बताइए आज क्या करूँ आपके लिए, है का? क्या फिर मसाज? मसाज? I know you just love to wear work with my hands, है ना मनु भाई? No baby, आज नहीं, आप सिर्फ नाखून कर लो। शाहरुख से मिलने जाना है, रास्ते में पार्लर पड़ता था, सोचा बेबी से मिल लो। शाहरुख? या शाहरुख खान। अब शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं? पीछे पड़ा है मनु भाई, एक खोखा कर दो, एक खोखा कर दो। मैंने बोला ठीक है। करोड़ सी फेस के सामने प्रॉपर्टी ली है ना उसने। आजकल मनी मार्केट इतना टाइट है बेबी कि स्टार लोग मनु भाई के पीछे नहीं पड़े तो किसके पीछे जाएंगे? आप शाहरुख खान को एक कर दोगे? देना पड़ेगा, क्या होता है कि जब रिलेशन बनाया तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना। पर आजकल करोड़ की कीमत है ही क्या, खोखा ही तो है। मनु भाई, आप मुझे बोलो रहने दीजिए। अब बोलो भी, मुझसे क्या शर्माना? मनु भाई, आप मुझे शाहरुख खान से मिलवा सकते हैं? लो, इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी शर्म? कब मिलना है बोलो, कहाँ मिलना है? यहाँ बुला ले, शाहरुख खान को यहाँ बुला ले। एक काम करते हैं, शाहरुख मियाँ को यहाँ ही बुला लेते हैं, बाद में अपने ही हाथों से उसका मालिश पालिश सब कुछ कर देना, मंजूर है? चलेगा? आप शाहरुख खान को यहाँ बुला सकते हैं? मनु भाई शराब बैठा है यहाँ पे, स्टार की लाइन लगा दूंगा मैं। साहब को फोन दो बाथरूम में, मोबाइल बाथरूम में नहीं जाता है। साहब को बोलना कि मन्नू भाई को फोन करे इमीडिएटली बाहर निकल के। ओके क्या? बाथरूम में। लेकिन ले आऊंगा मैं कभी भी उसको। थैंक यू मन्नू भाई। अरे छोटी छोटी बातों में क्या थैंक यू बेबी। नाखून का बिल मेरे अकाउंट में डाल देना, बाद में सेटल करेंगे। ओके लेकिन मन्नू भाई, दूसरा हाथ? दूसरा हाथ में जब आमिर खान से मिलने जाऊंगा तब। अभी तो शाहरुख टेंस हो रहा होगा। बाय बेबी।
लेकिन वो तो शादीशुदा है ना, तो क्या हुआ? मेरे डैडी आ गए। हाय माँ, कैसे हो बेटे? लो आ गए बापू ड्यूटी बजा के, अब रात की पहली शुरू। आओ ना बापू क्रिकेट खेलेंगे। आओ ना बापू टेस्ट मैच खेलेंगे। नहीं बेटे मैं बहुत थक गया हूँ। खेलो ना डैडी प्लीज, मेरे लिए, मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? एक शर्त पे, बैटिंग मैं करूंगा। और बॉलिंग में? डन। सुना है मंथरा जी 10 साल बड़ी है बापू से। फंस गए बेचारे, दादाजी का वचन जो था, और बापू तो बापू ही रहे, वचन कैसे तोड़ते। इनकी जिंदगी का एक नियम है सरजू, ये वचन कभी नहीं तोड़ते। कर ली शादी? अरे शादी नहीं, बर्बादी कहो, बर्बादी। ये तो बापू है इसलिए मंथरा जैसी को छेल लिए, बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती। अरे धीरे बोल, ये सर की खेती तेरे को मुंडवानी है क्या? खेरे की हाथ कभी टुंडा हाथ भी जेब से निकाल दिया करो किंग डॉन। वाओ, हारने के बाद क्या लगती है रेखा, क्या फिगर मेंटेन किया रेखा ने, माय गॉड। मुझे कम से कम 10 साल तो बड़ी होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगती। कितनी मेहनत भी की होगी ना इसने। मंथरा, मंथरा भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? राम, मैं भी बनाऊंगी ऐसा ही फिगर। हाँ तो मेरे स्काई शॉपिंग से एक्सरसाइज मशीन लेके आओ ना, कितने दिनों से मैं कह रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम होगी बस। तुम्हें क्या एक्सरसाइज की जरूरत, तुम तो ऐसे ही रेखा जैसे लगती हो। बातें मत बनाओ अब, कितनी मोटी और थुल थुल हो गई आजकल मैं। परफेक्ट फिगर तो मेरा तब हुआ करता था जब हमारी शादी हुई थी। माँ अभी भी अब क्या लगती है? तू चुप रह, कैची की तरह जबान चलाती है बड़ों के बीच में। और सुबह से कहाँ थी तू, आवारा गर्दी में फिर से है ना? खाने को कुछ मिलेगा? बस खाने के वक्त ही मेरी याद आती है तुम्हें। वैसे कभी मेरे बारे में सोचते हो तुम? 1-3 हज़ार रुपए की एक्सरसाइज मशीन ला सकते मेरे लिए। 3 हज़ार रुपए की एक्सरसाइज मशीन? लेकिन 3 हज़ार रुपए आएंगे कहाँ से? तुम्हारे इंस्पेक्टर पाटिल के पास कहाँ से आते हैं? वो भी तो तुम्हारी तरह इंस्पेक्टर ही है ना। लेकिन उसकी बीवी को देखो, वाह, आज आई थी मिसेस पाटिल पार्लर में, पता नहीं क्या क्या करवाने अपने नेल्स को, इसको उसको, मोबाइल फोन पर अपने नौकर के साथ रेसिपी पर रेसिपियां डिस्कस कर रही थी। बेटे को डून स्कूल में डाला है, डून स्कूल में, और 3-3 फ्लैट खरीद कर किराए पर दिए हैं। लेकिन एक तुम हो ठन ठन गोपाल, तुमने मुझे मिसेस पाटिल की जूती तक के बराबर भी नहीं छोड़ा, यू नो दैट। मंथरा, मंथरा तुम जानती हो मैं बेईमानी के पैसे नहीं खाऊंगा। देखो जैसे भी है हम खुश है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो धर्मराज युधिष्ठिर बनकर रहना है, पसरे रहना है अपनी शहनशाही कुर्सी पर, बाकी भले ही गरीबी की आग झुलसते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, तुम्हें इससे क्या है ना। एक साड़ी सी नेल पॉलिश लेने के लिए कितना सोचना पड़ता है, मस्कारा ले नहीं सकती, लिपस्टिक ले नहीं सकती, परफ्यूम लेती हूँ तो पूरे घर का बजट हिल जाता है 1 महीने तक। वो तो भला है कि पापा का ये फ्लैट मेरे नाम आ गया, वरना हम लोग सड़ते रहते किसी बदबूदार पुलिस क्वार्टर में। पुलिस क्वार्टर्स बदबूदार नहीं होते। तुम्हें क्यों बुरे लगने लगे, मुझसे शादी करने से पहले तुम वहीं रहते थे बाबूजी और दादाजी के साथ। लेकिन जब बुरा है नहीं तो बुरा लगेगा क्यों? खैर छोड़ो इन बातों को, भूख लगी है, खाना लगा दो प्लीज। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आज आपने कुछ बनाया है? आज सोमवार है, मेरा उपवास, मैं खाना क्यों बनाऊं? फ्रिज टटोल लो, जो मिले खा ले। गुड नाइट। हाँ बोलिए। चले अपने ढाबे पर। चलो डैडी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ अच्छा, तो आप सोचती भी है डैडी। अच्छा बताओ। हाँ मैं सोच रही थी कि तो तुम क्या सोच रही थी? मैं हाँ, मैं सोच रही थी कि मुझे एक भाई चाहिए। भाई? हाँ मुझे बहुत जरूरी है एक भाई। अच्छा ऐसा क्या जरूरी हो गया? क्यों, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है, कितनी अकेली पड़ जाती हूँ मालूम है डैडा? अकेली पड़ जाती आप? क्यों, मोहल्ले भर के तो दोस्त है, फिर क्यों अकेली पड़ जाती हो? दोस्त दोस्त होते हैं, भाई भाई होते हैं, अगर कोई फाइट होती है तो सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अगर भाई रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। लेकिन उसके साथ लड़ाई भी तो होगी। तो क्या हो गया डैडी, उसे प्यार तो करूंगी, उसे राखी बांधूंगी, पैसे मिलेंगे मुझे, और जब वो बड़ा होगा किसी की हिम्मत नहीं होगी छेड़ने की। फायदा तो है। कुछ करो ना डैडी प्लीज। ठीक है, तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ये लो खाना आ गया।
पहले खाना खा लो, लो ये लो। और फिर शेर ने चूहे से कहा, ये लो आप तो सो गई। क्या खाना था डैडी? अपने को तो नींद आ गई। नॉटी गर्ल, गुड नाइट, सो जाओ। मंथरा, ओ मंथरा, मंथरा, राम, अभी भी पापा मेरे सपने में आए थे। मेरी आंख लगी थी कि अचानक बिजली के कड़कने की आवाज हुई, चारों ओर बादल ही बादल छा गए और उन बादलों में से पापा यूं निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए। अच्छा, बहुत दुखी लग रहे थे, दुबले, एकदम दुबले। इतना दुबला मैंने आज तक कभी नहीं देखा उन्हें। मरने के बाद भी लोग दुबले होते हैं क्या? पता नहीं, शायद मेरी फिक्र में दुबले हो गए होंगे। तुम्हें नहीं पता, हमारी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे वो। लेकिन हम वैसे गरीब भी तो नहीं है। पापा एक खास वजह से आए थे, हमें नंबर देने। नंबर? कहीं लॉटरी का नंबर तो नहीं? हाँ बिल्कुल, पापा ने कहा जा मंथु जा, शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले ले, माला माल हो जाएगी। अरे नहीं। अरे नहीं क्या? पापा का दिया हुआ नंबर है, हमें जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल ड्यूटी पर जाओगे, शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले आना। शादी की सालगिरह तो याद है ना तुम्हें? अरे कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मंथरा, तुम्हारे ताऊ और मामा जी भी इससे पहले टिकट छोड़ के गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पापा मुझे कभी गलत नंबर नहीं देंगे, समझे ना। गुड नाइट। मंथरा क्या है? मंथरा, अंतरा को एक भाई चाहिए। भाई? हाँ तो मोहल्ले में इतने लड़के हैं, किसी को भी राखी बांध दे। नहीं नहीं, सगा भाई चाहिए। मंथरा, हमें एक और बच्चा होना चाहिए। पागल हो गए हो? अरे पहले वाले ने मुझे इतना बदसूरत और मोटा कर दिया है, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं दूसरा बच्चा पैदा करूंगी। कहाँ हीरोइन बनने आई थी मैं फिल्म में, दूसरा पैदा किया तो एक्स्ट्रा बनने लायक भी नहीं रहूंगी मैं। थैंक यू वेरी मच, सो जाओ। मंत्रा सो जाओ। मंत्रा मेरी बात। लॉटरी का टिकट लाना मत भूलना। क्या बात है दीपा, कोई खास खबर? अरे सोचा क्यों ना एक लड़का ढूंढकर शादी कर ली जाए। आइडिया बुरा नहीं है, कोई काम का मिला? स्वामीनाथन अय्यर, 28 साल, इंजीनियर। सुन सुन, ये देख, एक 55 साल के विधुर को, विधुर यानी जिसकी बीवी मर गई है। हाँ हाँ मालूम है। हाँ तो इस विधुर को चाहिए एक सुशील, घर का काम जानने वाली, अच्छे स्वभाव की लड़की। आगे लिखा है पहले शादी से 2 बच्चे, अत्यंत सफल व्यवसायी, 3-3 कंपनियों का मालिक है। पिया, वाह वाह, तो एक आया रखने के लिए शादी करना चाहते हैं हजरत। पिया अगर तू ऐसे ही छाटती रही ना तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ तो मुझे रायगढ़पुरा करोलबाग के प्रोफेसर अरोरा जी के जाके पैर पकड़ने पड़ेंगे, वही मेरे लिए लेकर आएंगे रिश्ते ही रिश्ते। अगर खुद को मालूम रहे कैसा लड़का चाहिए तो किसी अरोरा के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे तो सब कुछ पता है अपनी पसंद के बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ हाँ जरा हम भी तो सुने, आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए। La 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 la
खुशी के मारे मर जा। खुशी के मारे मर जाऊं, हाँ कि मैं खुशी के मारे मर बैंक जाओ या सिनेमा जाओ, मेरे को क्या करना है? 9 बजे का टाइम है ना, तो 9 बजे आने का ना, नहीं तो क्या करूं? तू जा घर में जाके बैठ जा, तेरे को ठोकर में पकड़ भेज देता हूं। रोज घंटा लेट आती है। और मेरी सिक लीव? सिक लीव लेना है तो बीमार पड़ो ना, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने का, लेकिन लेट नहीं आने का। लेकिन अभी हमारा भेजा मत खाओ, जा काम पे लगो। डिक्टेटर कहीं का लंगूर, बैठे बैठे रोब जमाता है, जब जी में आता है पैसे काट लेता है। तो बैंक में पैसे रखती क्यों हो? अगर ना रखूं तो खर्च हो जाते हैं, और फिर पैसे इकट्ठे भी तो करने हैं अलग कमरे के लिए। अरे इधर किटी पार्टी लगाया है क्या? उधर दो दो पुलिस वाला खाली बैठा है, जाके देखो ना। एक तो देरी से आता, ऊपर से मेरे धंधे का वाट लगाता है, जा हल है। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है, रोज पैसे काट लेता है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहिए खाने को क्या मिलेगा? जो आप चाहें। जो आप चाहें मतलब एनी बॉडी? एनी बॉडी नहीं इकबाल भाई, एनी थिंग। एनी थिंग
एनीथिंग। श्योर? जी हाँ श्योर। ठीक है, मेरे लिए एक मटन, दो प्याजा, एक रोगन जोश, एक चिकन कढ़ाई, एक मुर्ग। सिर्फ जो मेन्यू में है। अरे पर अभी तो आप बोल रहे थे कि जो चाहे वो मिलेगा, एनीथिंग। मेरा मतलब है, तो आप मजाक कर रहे हैं। देखिए मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सब खाने का शौक है तो सड़क के उस पार पंजाबी ढाबा है, वहीं तशरीफ ले जाइए। अरे सुनिए, आप नाराज ना होइए। मैं जानता हूँ आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारे दिन का मूड खराब कर दीजिएगा। लाइए मैं ऑर्डर देता हूँ। थैंक यू सर। मुस्कुरा तो दीजिएगा। वी सर्व विद अ स्माइल। एक बार ऑर्डर दीजिए। मेरे लिए एक चिकन सैंडविच, एक मटन ब्रदर। ब्रदर नहीं इकबाल भाई, बर्गर। दो समोसे और बाद में जरूरत पड़ी तो और ऑर्डर भी दे देंगे। और आप? मेरे लिए प्लेन टोस्ट और एक कॉफी। कॉफी तो हमको भी दे डालो मेम साहब। फिल्टर्ड या नॉन फिल्टर्ड? फिल्टर्ड या नॉन फिल्टर्ड? फिल्टर। लेकिन सर जल्दी कर दीजिए प्लीज। हमको भी आपकी तरह नौकरी बजानी है, बिना डॉक्टरों के सर्टिफिकेट के सिक लीव नहीं मिलती। बस 5 मिनट दीजिएगा और आपका ऑर्डर आपके टेबल पर होगा। श्योर। बापू पोटी जब आई थी तो तेवर चढ़ा के आई थी, जब गई है तो मीठा मीठा बोल के गई है, बात क्या है? प्यार से बात करो तो बात बन जाती है और कुछ नहीं। मेरे को तो लगता है पहली नजर में आंखें चार होने का प्रोग्राम बन रहा है। सैंडविच, बर्गर, समोसे, पता नहीं सुबह सुबह इतना खा कैसे सकता है। ओए ओए, बापू ये चश्मे वाली पोटी तो ऑर्डर लाने में बहुत देर लगा रही है। कसम से पेट में चूहे कूदा फांदी कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना दो खाना दो। सच कह रहा हूँ, ये मुंबई अमेरिका होता ना तो अब तक वो बर्गर ना प्लेटा में आ गया होता। प्लेटा से मुंह में जाके पेट में जाके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। मेरे को लगता है ये चश्मे वाली पोटी ना बर्गर लाने अमेरिका गई है। आपके अमेरिका जाने के सपने गए ने अभी? ए बापू हम नहीं जा सके, हमारे सपनों को तो अमेरिका जाने दो। आए हाय क्या खावा देखे थे, अपनी सलमा और दो बच्चों को अमेरिका लेके जाएंगे, दुनिया की सैर कराएंगे, राज कपूर की तरह गाना गाएंगे, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। लेकिन लगता है ये गाना मैं तेरी वजह से गा नहीं पाऊंगा। क्यों? ये तेरी ईमानदारी है ना, मेरे अमेरिका जाने के सारे दरवाजे बंद करके रहेगी एक दिन। मेरी ईमानदारी? और नहीं तो क्या, ना लेते हो ना लेने देते हो। लगता है अपने प्यारे से दोस्त को ना भुक्खा मार के रहोगे एक दिन। क्या बात कर रहे इकबाल भाई, क्या बात कर रहे हैं, देख लो ना वो पोटी अभी भुक्खा ही तो मार रही है। की चौकी है, लगता है छिछा लाइन पे आ गए हैं। लीजिए। हेलो इंस्पेक्टर इकबाल, सेक्टर 2300। हाउ? मैसेज क्लियर। मैसेज लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। पुलिस स्टेशन आ जाओ। हाउ? अभी हाजिर होता हूँ सर। चलो बापू, लगता है एक ऑफिसर को ड्यूटी पे भूखा मरना पड़ेगा आज। आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं पैक करवा के ले आता हूँ ना। ठीक है तो फिर मैं अपना हिस्सा मैं दे दूंगा, आप चलिए। ये भी ठीक है। बस मैं अभी लाई इंस्पेक्टर, आपका ऑर्डर तैयार है। नहीं नहीं हमें जाना पड़ रहा है, क्या आप ये सब पैक करा सकती है? हाँ क्यों नहीं, अभी कर देती हूँ। थैंक यू। इट्स ओके। कितने पैसे हुए? पैसे थैंक्स 60 रुपए 50 पैसे, कॉफी के नहीं जोड़े हैं। पचास, ये लीजिए 60 रुपए 50 पैसे, लेकिन टिप के लिए कुछ बचा नहीं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, मैं जी लूंगी। जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो पूरा दिन खराब ही जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता, ये लॉटरी टिकट है मेरे पास। लॉटरी? लॉटरी का मैं क्या करूंगी? ये लॉटरी मैंने 20 रुपए में खरीदी है, इसका आधा यानी 10 रुपए आपके टिप का। अगर ये लॉटरी लगी तो हम पैसे आधे आधे बांट लेंगे, और अगर नहीं लगी तो कल आकर आपके टिप के पैसे दे दूंगा। ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है? ओह भैया, मैं राम प्रसाद। तो कल का वादा करती है आप? करती हूँ श्रीमान सत्यवादी जी, करती हूँ। आपको टिप के पैसे देके जाने, आप टिप के पैसे देके जाइएगा। लॉटरी के पैसे देके जाने, लॉटरी के देके जाइएगा। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए। ए बापू, तू तो चिटकी गया। कम कम, वी गो गो गेटिंग लेट लेट। आप चलिए, मैं अभी आया।
ठीक है, अब पैसे दिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वादा रहा अपना, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। इंस्पेक्टर राम, कुछ आतंकवादियों ने बस नंबर MRL 8554 को अगवा कर लिया है, स्टॉप देम। हाँ सर, इकबाल भाई जल्दी चलिए। हाँ। पीछे लो, वो नहीं बस। हाँ जाओ। मैं पीछा करता हूँ। आज फिर से वही उबला हुआ खाना? चुप करके खा, चटोरी कहीं की। इस उबले खाने में क्या खराबी है? मंत्रा, बच्ची है, रोज उबला हुआ खाना कैसे खाएगी? तुम अपनी एडवाइस मत दिया करो, मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। चिकनी चीजें खिलाकर मैं उसे हाथी के बच्चे की तरह मोटा नहीं बनाना चाहती। थैंक यू। मैं कैसे मोटी हो सकती हूँ? 3 दिन तक आप उपवास रखती है और बाकी दिन ये उबला हुआ खाना। बक बक, तू चुप करेगी? चुप चाप खा। वैसे देखा जाए तो खाना बुरा नहीं है, देखो खा खा के मैं कैसे फिट रहता हूँ, और अपने इकबाल चाचा को देखो कैसे खा खा के उनकी टोन बाहर निकली हुई है। राम, लॉटरी का टिकट लाए? हाँ ले आया। तो दो। क्यों जनाब, हमारी शादी कौन से साल हुई थी? याद है मंत्रा, लॉटरी वाले के पास 87 नंबर वाला टिकट नहीं था, तो उसे एक नंबर ऊपर वाला ले लिया। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। पापा ने शादी की तारीख वाला नंबर कहा, लेकिन तुम ये ले आए, क्या करूं मैं इसका? कुछ नहीं कर सकती, जो करूं वही। ये नंबर कभी लग सकता है क्या? लाइफ में नहीं लगेगा। ओह
तुमने पापा का सपने में आना बिल्कुल बेकार कर दिया। डेरा ढाबा जिंदाबाद। चलो मंत्रा, दोस्तों वैसे तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, लेकिन यह दिन कईयों के लिए बहुत ही लकी डे साबित होने जा रहा है, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्टेट लॉटरीज के रिजल्ट्स। सबसे पहले नागालैंड स्टेट लॉटरी के रिजल्ट्स। दोस्तों तीसरे नंबर का इनाम जिसकी कुल राशि है 10 लाख रुपए, जी हाँ 10 लाख रुपए, भाग्यशाली विजेता की टिकट का नंबर Z3251-0351। दूसरे नंबर का इनाम जिसकी कुल राशि है 50 लाख रुपए और भाग्यशाली विजेता के टिकट का नंबर है K5392-3781। और अब बारी है पहले नंबर के इनाम की जिसकी कुल राशि है 5 करोड़ रुपए। जी हाँ 5 करोड़ रुपए और भाग्यशाली विजेता के टिकट का नंबर M12101988। नंबर एक बार और सुन लीजिए, M12101988। बहुत बहुत बधाई हो भाग्यशाली विजेता को। कुछ नहीं बचा, लगता माँ पागल हो गई। मशीन, 4 दरवाजे वाला फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, म्यूजिक सिस्टम, बस और क्या? देखा ना राम, पैसे आ जाते हैं तो याद ही नहीं रहता क्या क्या लेना है। परफ्यूम्स, मैंने परफ्यूम नहीं लिखे, इंपोर्टेड परफ्यूम। अरे मैं पूरा पार्लर ही क्यों नहीं खरीद लेती, मेरा अपना पार्लर होगा जहां सिर्फ रईस से रईस औरतें आएंगी। नहीं नहीं, सिर्फ मेरी तरह करोड़पति औरतें आएंगी। और पार्लर के बाहर में एक बोर्ड लगा दूंगी, मिसेस पाटिल एंड डॉग्स नॉट अलाउड। लेकिन मिसेस पाटिल को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में लगा दूंगी, कुत्तों और मिसेस पाटिल का अंदर आना सख्त मना है, बाहर खड़ी रहे सरती रहे। और क्या लिखूं? मुझे एक भाई ला दीजिए। भाई? तुम्हारे लिए भाई कैसे आएगा? मैं तुम्हारे लिए छोटा सा पप्पी लिख देती हूँ, कुत्ते का बच्चा, पप्पी। पप्पी? और क्या लिखूं? सब कुछ तो लिख दिया मैंने। चलो अच्छा है, 2.5 करोड़ में तुम्हारी ये सारी चीजें आसानी से आ तो जाएगी। 2.5 नहीं, 5, पूरे 5 करोड़। मंत्रा 5 नहीं, 2.5। 2.5 मैंने
मैंने किसी को देने का वादा किया है। क्या? हाँ मंत्रा, एक वेट्रेस है, टिप की जगह मैंने उसे लॉटरी का आधा हिस्सा देने का। ढाई करोड़ की टिप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मंत्रा, मंत्रा मैंने वादा किया है। कैसा वादा? कौन सा वादा? और किसको किया तुमने वादा? एक वेट्रेस को? मगर जो तुमने मेरे बारे में सोचा है, अपने बेटे के बारे में सोचा तुमने? देखो ना, हमारी अंतु एक दिन बड़ी होगी, जवान होगी कि नहीं, इसकी शादी तो करनी होगी ना हमें, इसके लिए लड़का तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? लड़का तुम्हें लड़का चाहिए था ना, अंतु के लिए भाई, तो बेटा चाहिए ना, तो मैं देती ना तुम्हें एक, क्या मैं तुम्हें 10 बेटे पैदा करके दूंगी। लेकिन तुम्हें एक बार कह दो, अपने मुंह से कह दो राम, कि तुम उस वेट्रेस को 2.5 करोड़ रुपए नहीं दोगे, प्लीज। मेरी बात सुनो मंत्रा, मैंने किसी को वादा किया है, अ प्रॉमिस, एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, ओके? मॉर्निंग। आप वापस आ गए? हाँ, वादा जो किया था। मैं कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, कल पता नहीं क्यों मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कैसे कह दिया। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। अरे बड़े काम पे लगो नहीं, मैं टाइम पास करने का पैसा नहीं देता है। आप कैसे सहती है ये सब? क्या करें, मजबूरी है, नौकरी का सवाल है ना। अब तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है नितेश? वैसी ही है दीदी, माँ भी क्या सोचती होगी कि सिर्फ दुख और बोझ देने के लिए ही उसने मुझे पैदा किया है। ऐसा क्यों कहते हो? एक हीरे जैसा लड़का मिला है उन्हें, कितनों को ऐसा नसीब होता है। आपके लिए और कुछ? No thanks. क्या हुआ उस लड़के को? AIDS. AIDS? हाँ. कैसे? बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था। फिर क्या, खून के साथ साथ मौत भी खरीद ली। अब क्या, बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। oh, no. अरे पिया मैम साहब, इधर आओ। ये क्या है, 35 रुपए का बिल है, पैसा नहीं लिया? सर उस कस्टमर के पास पैसे नहीं थे, मैं आपको। अरे पैसा नहीं था तो दरवाजा बंद करना था ना, किचन में ले जाके बर्तन साफ करवाना था, इधर खैरात बट रही है। अरे ये होटल मैंने फ्री फंड में नहीं खोला है। सर मैं आपको बताने ही वाली थी, इसके पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। अरे वो तो मैं काटेगा ही, तेरे को बताने का जरूरत नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। जा मेरे लिए काफी लेकर आ। मलकानी को कॉफी मैं पिलाती हूँ। हेलो, ये क्या है? तोहफा? लेकिन इसमें क्या है? आप देख लीजिए। मेरे लिए? हाँ, आपके चश्मे के लिए। मेरे चश्मे? आपके सर पर फूल जाती है ना, लाइयो मैं लगा देता हूँ। मुझे इतना प्यारा तोहफा पहले किसी ने भी नहीं दिया, रियली किसी ने भी नहीं। थैंक यू, थैंक्स अ मिलियन। आज मैं आपके लिए एक ऑफर ले आया हूँ। कैसा ऑफर? या तो टिप की दुगनी रकम मुझसे लोगी, या फिर लॉटरी का आधा हिस्सा। लगता है आप मानेंगे नहीं। चलिए जो आपके दिल में आए दे दीजिए। नहीं, चॉइस आपकी रहेगी। तो राम प्रसाद जी, मैं आपकी लॉटरी का आधा हिस्सा मांगती हूँ। मैं भी यही चाहता था, डर रहा था कहीं आप टिप का डबल ना मांग ले। सस्ते छूट गए ना, लॉटरी तो लगी नहीं। दरअसल हमें नागालैंड स्टेट की लॉटरी लग गई है। क्या लगा, आखिरी नंबर 10 रुपए, लाइए मेरा हिस्सा। नहीं नहीं, हमें पहला इनाम मिला है। हाँ, हमें 5 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या? हाँ, नागालैंड स्टेट लॉटरी के 5 करोड़ रुपए, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का आपका हिस्सा। देखिए राम प्रसाद जी, मजाक की भी एक हद होती है,
और ये तो एक बहुत ही बेरहम मजाक है। आप इसे मजाक समझ रही हैं? ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं सच कह रहा हूँ पिया जी। सच? आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपने लॉटरी में 5 करोड़ रुपए जीते हैं? हाँ। और आप उसमें से 2.5 करोड़ रुपए मुझे देंगे? मुझे? क्योंकि आपने वादा किया था 2.5 करोड़ रुपए। हाँ। 2.5 करोड़ रुपए? आप मुझे 2.5 करोड़ रुपए देंगे? हाँ हाँ, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए? ओह गॉड, आप सच बोल रहे हैं? हाँ। सचमुच मुझे 2.5 करोड़ रुपए देंगे? मुझे 2.5 करोड़ रुपए मिले। 2.5 करोड़ रुपए? जाओ सबको आइसक्रीम खिलाओ, यू मस्ट सेलिब्रेट। सबको मेरी तरफ से ट्रीट, आप सबको फ्री आइसक्रीम आज। नितेश सुना तुमने, मुझे 2.5 करोड़ रुपए मिले। 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ सच में दीदी? 2.5 करोड़ रुपए मिले मुझे। आप भी लो, आप भी लो, आप भी लीजिए 2.5 करोड़ रुपए। ओ गॉड, मैं जो भी चाहूँ कर सकती हूँ, जो चाहे खरीद सकती हूँ। ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी। 2.5 करोड़? ओ गॉड। लेकिन मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत जरूरत है, मगर ले लो पिया, मैं चाहता हूँ कि तुम ले लो। मैं तो आपको जानती भी नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, ले लो ना दीदी। ले लो पिया, ले लो, ले लो ना दीदी, ले लो, ले लो ना पिया, ले लो। तुम्हें लेना होगा पिया, लेना होगा। ओह थैंक यू, थैंक यू। मंथरा, 2.5 करोड़ रुपए देने का मतलब है हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में तुम्हारा नाम आएगा, यहाँ तक कि न्यूज़वीक और टाइम वाले भी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे अपना नाम न्यूज़वीक और टाइम में। स्टारडस्ट में भी नहीं, स्क्रीन, मूवी, सिनेब्लिट्स, मायापुरी, हर बड़े मैगजीन में बड़े बड़े स्टारों की कमेंट्स आएंगी। अमिताभ बच्चन, मंथरा जैसे देवी दुनिया में वापस कभी पैदा नहीं हो सकती। यस यस। माधुरी दीक्षित, मंथरा साक्षात देवी है। यस यस। तुम्हारी हर तस्वीर के साथ ये बड़े बड़े, नहीं 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 नहीं, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, सुनहरी दिल की मालिका मंथरा प्रसाद। आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ तुम्हारी ही फोटो होगी। सुनहरे दिल की मालिका, टीवी में, अखबारों में, मैगजीन्स में, सुनहरे दिल की मालिका। अरे, अपने पार्लर के सामने मैं लाइन लिखवाऊंगी, वेलकम टू द ब्यूटी पार्लर और सुनहरे दिल की मालिका। आई एम सो ब्रिलियंट। सुनिए, ये ड्रेस आपका बहुत खूबसूरत लग रहा है, कहाँ से लिया है? ओह, पेरिस, थैंक यू। डैडी, आपको पता है मम्मी ने ड्रेस कहाँ से ली? कहाँ से? भाड़े की। हाँ सेठी, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको ये 10 लाख का प्राइस लगा है। और आपने क्या करने की सोचा है? हाँ, मेरा पार्लर है, मेरा जवान ही पार्लर। हमको 50 लाख की लॉटरी लगी, क्या करना है? अच्छा, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, एक ही बेटी है आपको? बेटी? किसकी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरी बहन की बेटी है, हमारे साथ रहती है, हमारा कोई बच्चा नहीं है। मंथरा, ये मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी अंथरा। मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं, जाइए जाइए, अपना काम करिए। एक्सक्यूज मी, मेरा राम, राम। ओह हाय पिया, मंथरा, मंथरा, ये पिया है। हेलो मंथरा जी। कौन है ये? एक वेट्रेस है रेस्टोरेंट में, इसे मैंने 2.5 करोड़ टिप में दी। 2.5 करोड़ रुपए? वो भी टिप में? यस। मजाक कर रही हैं आप? नहीं, सच कह रही हैं। राम ने मुझे आधी लॉटरी टिप में दिए। जयपुर जाके बच्चों के लिए जमीन खरीदूंगा। अरे भाई, मैंने यूज करना तो मिलिट्री वाले जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ इंस्पेक्टर राम ने 2.5 करोड़ रुपए टिप में दे दिए हैं। एक मिनट। अरे भाया, सुन मेरी बात। अरे भाई सुनिए, अरे सीधी सिविलियंस। राम तो हाना हाना कर रहे थे, मैंने ही जोर दिया। लेकिन 2.5 करोड़? अरे जितना भी हो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। सुनहरे दिल की मालिका, सुनहरे दिल की मालिका, आदत भी। हाँ, क्योंकि वादा वादा होता है। अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मैं क्या कहूँ, बस यही कि दुनिया में राम प्रसाद जी जैसे भी लोग होते हैं। आप इतने सारे रुपयों का करेंगे क्या? मैं क्या करूंगी,
पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छे कामों में लगाऊंगी मैं ये रुपया, जैसे सोशल वर्क, दान, चैरिटी, यू नो, पिछाड़ियों के लोग सुनहरे दिल की बालिका के नाम से गा रहे, सुनहरे दिल की बालिका, यू नो, आप लिख क्यों रहे हैं, लिखिए ना, सुनहरे दिल की बालिका। ये हमारे राम जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान आपका हमेशा भला करे। मथुरा होली है, इसमें अमीर और गरीब क्या, हम भी तो गरीब ही थे ना। कितना हुआ तुम्हारा पैसा? गंदी नाली के कीड़े। ये तो मैं हूँ मम्मी। तू ठहर, आज मैं तुझे ना, मैं तो, ओह गॉड, तुम कुछ नहीं कह सकते उसे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उसे इन बदबू बच्चों के साथ नहीं खेलने दो। छी, ये कौन है अब? अरे मनु भैया, यहाँ कैसे? मुबारक हो बेबी, लॉटरी के लिए बधाई हो। थैंक यू सो मच मनु भाई, हाउ स्वीट। मनु भाई, ये है मेरे हस्बैंड इंस्पेक्टर राम, और ये है मनु भाई टाइगर, मेरे फेवरेट क्लाइंट, फिल्म्स के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। से हेलो। अभी तो आपको बेबी डिसअपॉइंट करके आना पड़ा मुझे। होली के लिए मुझे खास बुलाया था अपने घर पे। ओह माय गॉड। हां, मुझसे बोला कि मुझे सबसे पहले आपका चेहरा चाहिए रंग लगाने के लिए। स्वीट। अब बेबी एक ही चेहरा है कि तुमको खुश रखेगा। हां और वैसे भी ये अमिताभ की होली में वो राज साहब वाली बात नहीं। राज साहब? कौन राज साहब? राज कपूर साहब बेबी, चिंटू के पापा। ओह माय गॉड। बड़ी बड़ी हीरोइनों को हम साथ में मिलकर रंग के तालाब में डुबोया करते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदर, राम। खैर अब तो बेचारे वो नहीं रहे, लेकिन अब तो होली तुम्हारे यहाँ मनाएंगे ना, पैसे जो आ गए हैं। मनु भाई टाइगर। एक बात कहूँ बेबी? हाँ? ये आपके मियाँ की भी क्या पर्सनालिटी है, है? इनकी आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? ये फिल्मों में? हाँ? मैं फिल्में देखता भी नहीं। हमको कहाँ देखनी है, हमको तो सिर्फ काम करना है। आज कल एक्शन हीरो की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है। वो कल ही प्रकाश मुझे बोल रहा था, मनु भाई एक एक्शन हीरो दे दो, मैं तो परेशान हो गया। कौन प्रकाश? अपना पकिया प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा? हाँ, अभी अमिताभ को जंजीर किसने दिलवाई थी? वो स्टोरी लेके गया था देवानंद साहब के पास। देवानंद? तो देवानंद को बच्चे लोगों की स्टोरी अच्छी तो लगी थी। कौन से बच्चे? अपने सलीम जावे। सलीम जावे? देव साहब ने स्टोरी में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन उठाया। क्या? कि इसमें मेरे लिए डांस और गाना था। तो प्रकाश घबरा गया। मैंने कहा प्रकाश तू घबरा मत, मेरे पास एक अच्छा छोकरा है, अच्छा एक्टर है और सस्ते में आएगा। कौन? अमिताभ। आपके राम प्रसाद जी कहाँ गए? बच्चों के साथ खेलने गए होंगे। आपके राम प्रसाद जी बहुत भोले, बहुत ही भोले। भोले हैं इसलिए चुड़ैल को झेल रहे हैं। चुड़ैल नहीं, रईस चुड़ैल। लॉटरी क्या मिली? तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गई है पिया, तुम्हारा तो रंग ही बदल गया है। क्यों ना बदले, सारे जहाँ की खुशी जो मिल गई है मुझे। याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था मुझे कैसा लड़का चाहिए? मुझे वो लड़का नजर आ गया है दीपा, काश कि वो मुझे मिल जाए। इतना प्यार देने वाला, इतना प्यार देने वाला कि बस जी चाहता है उसके आगोश में समा जाऊं, खो जाऊं उसकी बाहों में। वो मुझे कहीं
दूर ले जाए घनी वादियों में, जहां हमारे सिवा और कोई भी ना हो। हर तरफ फूलों का रंग भर लाई हो फिजा, और उसी का रंग चुरा कर वो मुझसे कहे, चला रंग गुलाबों से चला।
तस्वीर बनाने के लिए मैं चला रंग गुलाबों से चुराने जी हाँ ये लीजिए थैंक यू चल नेहा चल गल्ले में से सारे पैसे बाहर निकाल चल जल्दी कर ए, तुम लोग बाकी सभी दुकानें लूट लो ओके भाई चल जल्दी कर ए, गला खाली कर जल्दी कर हे बॉम्बे पुलिस बंदूक नीचे करो मैं कहता हूँ बंदूक नीचे करो ए, आगे मत बढ़ना नहीं तो बच्ची को मार दूंगा मैं ये लो अंकल इससे मारो इंस्पेक्टर राम प्रसाद के लिए जो भी कहा जाए कम है जितनी भी तारीफ की जाए कम है माननीय मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर राम प्रसाद की बहादुरी पर खुश होकर उन्हें 1,00,000 रुपए का इनाम देना मंजूर किया है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र इंस्पेक्टर राम प्रसाद शुक्रिया कमिश्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों दरअसल आप सब इस इनाम और तारीफ के हकदार हैं क्योंकि हम सबको मुंबई पुलिस में होने का गर्व है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस कामयाबी के लिए अपनी पत्नी मंत्रा का शुक्रगुजार हूं कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से पहले हमें अपनी बीवी अपने बच्चे और अपने परिवार का ख्याल आता है हमारे बाद इनका क्या ये सोचते हुए मैंने इनाम के 1,00,000 रुपये पुलिस वाले के विधवा एसोसिएशन के लिए देने का फैसला किया है और इसके साथ साथ अपनी बीवी मंत्रा की ओर से 5,00,000 रुपये भी देने का फैसला किया है शुक्रिया बापू यू आर ग्रेट ये सब क्या हो रहा भाई
पेंट हो रहा साहब। वो तस्वीरें कहाँ गई? Actually, why double? King size bed? Now you know what मतलब हो दादाजी की। Ram, तुम कहाँ थे? I'm so glad you came, Ram. इनसे मिलो। ये है ज़रीन, हमारी इंटीरियर डेकोरेटर। Hi. और ये है मेरा हस्बैंड, मिस्टर राम प्रसाद। Now I must take you to the home. लग गया। नहीं। I must tell you कि आपकी वाइफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। Excellent, excellent, very thank good. You. Thank you very much. मंत्रा, मंत्रा, दादाजी और पिताजी की तस्वीर कहाँ गई? Tasveer, oh my god, the radio forgot, we should have a photograph on it. Oh yeah, yeah. लेकिन किसकी फोटोग्राफ होनी चाहिए? मंथरा मैरिलिन मॉनरो की। हाँ, लेकिन मैरिलिन मॉनरो तो बहुत आउटडेटेड है। हाँ, श्रीदेवी। ओह यस यस, लेकिन श्रीदेवी की शादी हो गई है, फिर किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल मेरी तरह। अब मेरा मतलब है तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह। ज़रीन, यू आर जीनियस। मैंने क्यों नहीं सोचा मेरे फोटोग्राफ होनी चाहिए? लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, बिग बिग, जस्ट ब्लो इट अप, ब्लो इट अप। मंथरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मंथरा, क्या मेरी आराम कुर्सी कहाँ गई? वो बुड्ढों का आश्रम है, उसमें मैंने दान कर दी। लेकिन क्यों? तुम जो लाखों रुपया मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली पुलिस अफसरों की बेवाओं को दे सकते हो, तो मैं एक फटीचर से कुर्सी नहीं दान कर सकती? लेकिन तुमने पिताजी और दादाजी की तस्वीर क्यों दान कर दी? वो मैंने दान नहीं की, कबाड़ी को बेच दी। क्या? हाँ, तुमने दादाजी और पिताजी की तस्वीर कबाड़ी को दे दी? कलर्स की मैं मैच नहीं कर रही थी राम, एवरीथिंग शुड मैच द न्यू कलर्स। वो तस्वीरें मेरी नई खूबसूरत दीवारों पर एकदम बेढंगी लग रही थी, मैंने बेच दी। ओह माय मोबाइल, मेरा नया मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल? आज ही लिया, नया है। ओके, हेलो। हाय बेबी, मनु भाई बोल रहा हूँ। मनु भाई, हाउ आर यू? एक्सक्यूज मी, मनु भाई, आप अपनी बेबी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं? हम औरतों का ऐसा ही है, हमारे साथ रहना भी मुश्किल और हमारे बगैर रहना भी मुश्किल। ओह बेबी, आप भी मनु भाई, यू आर अ टाइगर। क्या सुनो, आज शाम को पार्टी है, आ रही हो ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आ रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स, आपकी बेबी कैसे भूल सकती है, आऊंगी। यस, फॉर्मल इनविटेशन देने की क्या जरूरत है? बाय बेबी। ओके ओके, बाय बाय मनु भाई। बंद कैसे करते हैं? राम, मन्नू भाई का फोन था। कैन यू इमेजिन, हमारे मोबाइल फोन पर पहला फोन आया, वो भी मन्नू भाई का। ही सो स्वीट राम, हमें अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है, शिप पर है, हम जरूर जाएंगे। सरीन, तुमने किचन की डेकोरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हाउ कैन यू डू दैट टू मी? लेट्स डिस्कस द किचन डेकोरेशन। ग्रैनाइट फ्लोर होना चाहिए और एक छोटा सा टीवी भी लगा लेंगे तो मिसेस पार्टी तो जलकर राख हो जाएगी। यस, होटल का नाम बदल दिया, ये कब हुआ? मैं तुमको बताया था ना यारो, पिया जी ने डबल दाम देकर ये होटल ही खरीद डाले। डबल दाम देकर? हाँ, तेरे को तो पता है गरीब और जरूरतमंद को खाना खिलाती रहती हैं। एक दिन मलकानी ने रोका टोका तो उनका पूरा होटल ही खरीद डाला। ओ, लेकिन होटल चला पाती है नहीं? होटल तो एकदम फर्स्ट क्लास चला रही है, लेकिन बाबू माजरा क्या है, बड़ी इंक्वायरी ले रहे हैं पिया की। जाके बिल काहे को नहीं लेते? अरे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? काय को झूठ बोल रहे हो बापू, चेहरा बता रहा है, मन ही मन लड्डू फूट रहे, दिल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, आप अभी भी अमेरिका जाने का ख्वाब देखते हैं या नहीं? अरे बापू, ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं, हम आज तक लकड़ी का पुल नहीं जा सके, अमेरिका कैसे जाते? ये क्या है बापू? अमेरिका का टिकट। अमेरिका का टिकट मेरे वास्ते? आपके वास्ते, भाभी के वास्ते, बच्चों के वास्ते। और ये सिर्फ अमेरिका का टिकट नहीं, वर्ल्ड टूर के टिकट है। वर्ल्ड टूर? क्या बात कर रहे हैं बापू, हम तो अमेरिका जाने का ख्वाब देखे थे, तू हमको दुनिया की सैर करा रहे हैं। कसम से, एक दोस्त का ख्वाब एक सच्चा दोस्त ही पूरा कर सकता है। कसम से, कमाल कर दिया, मान गया बापू, तेरे को मान गया मैं। चलो आप जाने की तैयारी कीजिए अभी। अरे तैयारी किस बात की करने की है बापू, सिर्फ सामान ही तो बांधना है, पासपोर्ट तो मैं कब का तैयार करके बैठा हूँ। अच्छा चलता हूँ, तेरी भाभी को जाके खबर देता हूँ, कसम से आज बहुत दिनों बाद गले लगा के चुप लेगी मेरे को। एक्सक्यूज मी, आप ही है ना इस होटल की नई मालकिन? जी हाँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि वो राम प्रसाद जी बाहर क्यों खड़े, वो अंदर क्यों नहीं आते? राम प्रसाद जी? वही इंस्पेक्टर राम प्रसाद जी, उनका तो यहाँ पे हर रोज का आना जाना रहता है ना। अच्छा, मैं ये बताने आया था कि मैं एक फाइनेंसर हूँ और शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों को फाइनेंस करता हूँ, मैं फिल्में भी फाइनेंस करता हूँ। फिल्में तो आप देखती होंगी। एक बात कहूँ प्रिया जी, भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया, अब फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? देखिए मुन्ना भाई, मन्नू भाई,
मन्नू भाई रजनीकांत श्रॉफ फुल स्टॉप। लोग मुझे प्यार से करू पार्टी बोलते हैं। हाँ वही, ना ही मैं फिल्में देखती हूँ और ना ही मुझे कोई हीरोइन बनने का शौक है। वेल जैसा आपकी मर्जी, इसमें मेरा क्या, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे मैं तो आपको मेरी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। मैंने पार्टी रखी है शिप पर, शिप पर। मुझे वक्त नहीं है। नहीं, 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 आपको कैसे भी करके वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप पार्टी में नहीं आई तो राम प्रसाद जी तो आपको पार्टी में बहुत मिस करेंगे। राम प्रसाद जी आ रहे हैं? लो, उनके और आपके बगैर कोई पार्टी हो सकती है क्या? वेलकम। आइए राम प्रसाद जी, आइए आइए। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। तुम फिल्में देखती हो ना? फिल्मों में हीरो हीरोइन का बर्थडे कैसे मनाते? बस अपना भी यही हिसाब है। मन्नू भाई को पार्टी मनाने का बहाना चाहिए। साल में 3 बार मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ। अब मैं तुम लोगों से मिला हूँ। नमस्ते। नमस्ते, ये राजीव मल्होत्रा साहब। एक म्यूजिक कंपनी में मामूली मैनेजर की हैसियत से इन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। आज तो टॉप के बिल्डर है, है? और फिल्मों में फाइनेंस भी करते हैं। क्यों? फिल्मों में? हेलो, मिस्टर नरेश भाई पटेल। ये नरेश भाई पटेल है। पहले पत्तों का क्लब चला थे, बाद में किसने बोला कि फिल्म बनाओ सब कुछ मिलेगा। फिल्म बनाई, एक्शन फिल्म बनाई, हिट हो गई। फिल्म हिट हो गई, डायरेक्टर हिट हो गया, एक्टर हिट हो गया, ये फ्लॉप हो गए। अरे सेक्सी 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 चक्रधारी बेबी, ही इज द सेक्सीएस्ट प्रोड्यूसर। ये सेक्सी फिल्में बनाते हैं। गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, काम सूत्र, जवानी की कलियां वगैरह। इंटरेस्टिंग बेबी, कुछ जाम वाम हो जाए। oh, yes. आहा, भाई लाइए कुछ, लाइए। राम प्रसाद जी क्या लेंगे आप? ब्लू लेबल? मैं पीता नहीं, नहीं? ब्लू लेबल लाइए। मंत्रा, यस सर, चलो चले स्कॉच। अरे क्यों मंत्रा, ये लोग, आई एम नॉट कंफर्टेबल। राम, फिल्मी पार्टी है, अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, ओके? सुनो, मैं बार डेक पर खड़ा हूँ, थोड़ी देर में बाहर आ जाना। कम क्विक, ओके? टाइगर, या? आई थिंक आई वांट टेकीला। वन टेकीला फॉर माय बेबी। टक टक टेकीला। हेलो। लीजिए सर। ये लो। ओह, चीयर्स। कितना हुआ भैया? 60 रुपया। 100 का छुट्टा देना। हमारे पास छुट्टा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, 100 का छुट्टा नहीं है आपके पास? अभी इतनी रात यहाँ कौन देगा मुझे चेंज? कहीं से भी ला कर दीजिए। क्या हुआ भैया? हेलो राम, देखो ना, कहता है इसके पास चेंज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है इसके पास चेंज ना हो? कितने हुए? खाली 60 रुपया। एक मिनट, मेरे पास होगा। वो लगता वोट निकल रहा है। ये लो, रख लो। अरे ये क्या किया राम, तुमने तो उसे 100 रुपए का नोट दे दिया। कभी कभी कीप द चेंज, बाकी का रख लो, कहना अच्छा लगता है। राम, जहाज, ये तो गया। ओह, कर दी ना मैंने गड़बड़। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, धावा जिंदाबाद। नहीं कुछ नहीं। तो फिर कुछ तो कहो। क्या कहूँ, डरती हूँ कुछ ज्यादा ना कह दूँ। कहने से दिल हल्का होता है भैया, कभी कभी
अजनबी भी मारम दे जाते हैं। तुम और अजनबी, तुम जैसा मुझे आज तक कोई दूसरा अपना नहीं लगा। इन लम्हों को यूं ही खूबसूरत रहने देना है, क्या पता फिर कब तुम्हारा साथ मिले। मुझे नहीं करे इतने पुराने घाव। लेकिन तुम अपने बीते दिनों को बुला नहीं सकती पिया। दूर तो रह सकती हूँ ना, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं पुरानी यादों में डूबकर इसे खोना नहीं चाहती। लगता है बहुत कम सा है। मैं तो कुछ भी सह लेती राम, अगर एक छोटा सा भी सहारा मिल गया होता। नसीब में अकेलापन लिखा था, अकेली ही झुलसती रही, इसीलिए तो घाव नहीं भरे। अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ तो बदल गया है। और फिर इतने बड़े शहर में अकेलापन भी कम महसूस होता होगा ना। एक औरत का अकेलापन कोई शहर नहीं दूर कर सकता, उसे तो कोई अपना चाहिए, कोई जिसे वो अपना कह सके, जो उसे अपना समझे। कोई तो होना चाहिए जो हाथ बढ़ाकर थाम ले। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच नहीं? तुमने क्या खुद को कभी अकेला पाया है? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी है मेरे साथ। और मंथरा जी? मंथरा, मंथरा तो बहुत अलग है पिया, उसे तो किसी का भी साथ नहीं चाहिए। और क्या राम, हम सब एक जैसे नहीं होते। हमारी 10 साल की शादी है, इतने समय में एक दूसरे की खामियों का भी पता लग जाता है। क्या कहा तुमने, तुम्हारी कौन सी खामियां राम? मैं क्या बताऊं, मंथरा ही ज्यादा अच्छा बता सकती है। जिन बातों में मुझे खुशी मिलती है, शायद वही उसकी नाराजगी की वजह हो। खैर, यह तो चलता रहता है। तुम दोनों खुश हो? बहुत खुश। लॉटरी मिलने के बाद मंथरा बहुत बहुत खुश है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता तुमने जो चाहा था तुम्हें मिल गया, और कुछ भी चाहने की तमन्ना नहीं रही? कितने खूबसूरत हैं ये पल, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राम। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं, तुझे जब पा लिया मैंने, खुदा रे।
काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में यूं गुजार दूं, हो काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में यूं गुजार दूं, वक्त पड़े तो दिल के साथ जान भी अपनी वार दूं, शायद से भी दो दिन की छुट्टी और बाकी है। तो क्या कल मिले? कल? क्यों मिलने के लिए क्या जल्दी कह दी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ क्यों नहीं, कल मिलेंगे। कब और कहाँ? कल शाम 4 बजे स्पोर्ट्स क्लब के पास। पक्का कल 4 बजे स्पोर्ट्स क्लब? क्या है बेबी की एक अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म बनाने के लिए जेब के 2-4 करोड़ तो लगी जाते हैं। बाकी तो हम बैठे ना मार्केट से फाइनेंस दिलाने के लिए। लेकिन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना होता है मनु भाई इस लाइन में? मुनाफा? स्काई इज द लिमिट बेबी, स्काई इज द लिमिट। राजश्री वाले परेशान है। हम आपके कौन ने कितने करोड़ का धंधा किया होगा बताओ? 500 करोड़। 500 करोड़ का धंधा बेबी, और शादी की इससे अच्छी डॉक्यूमेंट्री मैंने अब तक देखी नहीं है। चप्पल छिपाओ, शादी कैसे करना, वो सब होता है ना। और अपने करोड़ अर्जुन 100 करोड़, राजा हिंदुस्तानी 100 करोड़। मनु भाई इसका मतलब 5 करोड़। मनु भाई फिल्म बनाते हैं। हाँ वरना तुम्हारे राम प्रसाद जी बाकी की रकम भी दान में दे देंगे। Think of the devil and devil appears. Tiger. अरे वाह वाह वाह, अच्छे आदमी की बात करो तो अच्छे आदमी तुरंत हाजिर हो जाते। Ram, we are enjoying ourselves so much. Yeah, लेंगे क्या दोस्तों? एक एक जाम इन करोड़पतियों के नाम। Cheers! तो हमारी फिल्म की शूटिंग कब शुरू हो रही है मनु भाई? शूटिंग? हाँ। अभी तो नींव नहीं डाली है, चलिए दरवाजा खटखटाने। शूटिंग शुरू करने से पहले कुछ स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना, कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना बेबी। हमारे आज की फिल्मों में स्टोरी होती है क्या मनु भाई? नो बेबी,
हम तो स्टोरी वाली फिल्म बनाएंगे। अच्छा, देवदास थी ना यूसुफ भाई की क्लासिक। यूसुफ भाई अपना दिलीप कुमार। वाह, क्या एक्टिंग की थी छोकरे ने। वाह, मैंने बिना टिकट के 25 बार देखी थी। लेकिन मनु भाई, देवदास जैसा सब्जेक्ट हमारे आज के नए जमाने में चलेगा क्या? I think, baby, you got a point. क्योंकि आजकल के हीरोइन तो किसी बूढ़े से शादी करेगी नहीं, और अगर मान लो फंस भी गई तो अपने पति को लात मार के देवदास के गले लिपट जाएगी। हाँ। और बाद में होगा क्या, देवदास और पारो गले मिलके रात को डिस्को में डांस करेंगे और हमारी पिक्चर फ्लॉप। तो फिर आजकल क्या है बेबी, एक नया ट्रेंड चला है मार्केट क्या? पुरानी पिक्चर को उठा के कॉपी करने का, रीमेक। वो बनाई ना जब जब फूल खिलेगी, राजा हिंदुस्तानी, चोरी चोरी की चोरी की, दिल है के मानता नहीं, वो शागिर्द का कबाड़ा किया श्रीमान आशिक में। वो अनुपम ने अच्छा काम किया था छोकरे ने, लेकिन चली नहीं ना पिक्चर। मुझे क्या लगता है कि हम लोग मुगले आजम का रीमेक करते हैं। आज का मुगले आजम AKMA वो सलीम मजाक नहीं बोल रही। हाँ। वाह मनु भाई, यू ग्रेट। सलीम को और कौन प्ले करेगा? अपना शाहरुख, और कौन करेगा? वैसे भी यूसुफ भाई की कार्बन कॉपी तो है वो छोकरा, बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करता है। अच्छा हुआ छोकरे ने मेरी बात मान ली, वरना कहीं का नहीं रहता। आपकी बात मान ली? मैंने क्या बोला कि देख शाहरुख, तू इधर उधर हाथ पर मत मार, तू सिर्फ यूसुफ को पकड़ के चल, दिलीप कुमार को अपना इंस्पिरेशन बना ले, उसकी कॉपी करके अच्छे अच्छे लोगों के लाइफ बन गए, तेरे भी बन जाएगी। बन गई ना? और अपने से सलीम का रोल सुनेगा तो पैसे भी नहीं लेगा। और मधुबाला का रोल कौन प्ले करने वाला है? अपनी माधुरी, उसकी देखी ना 32 दांतों की मुस्कान, बिल्कुल मधुबाला जैसी। बाथरूम में शीशे के सामने कितनी प्रैक्टिस करती थी वो छोकरी। मनु भाई, हा? मैं तो सोच रही थी कि मधुबाला के रोल के लिए क्यों ना मुझे ही चूज कर ले। तुम? या? क्या सोच रहे मनु भाई? आप लोगों के दिन भर गए हैं, ये मधुबाला बनेगी। क्या कहा मनु भाई? नहीं, मैं सोच रहा था कि देर कर दी ना बेबी तुमने, देर कर दी। देर? और नहीं तो क्या, 40 साल पहले अगर तुम मुझे मिली होती ना तो मधुबाला की जगह मुगले आजम में मैं तुम्हें फिट कर देता। आप तो हर चीजें मजाक करते हैं। मजा? अरे तुमने क्या समझा है, के आसिफ की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे ना बोलने की। अब ये मत पूछना कि के आसिफ कौन था, ये मत पूछना। के आसिफ साहब आपको जानते थे? तो मुगले आजम पूरी किसने करवाई? मैंने शाहपुर जी पालर जी को फोन किया था कि आसिफ अच्छा छोकरा है, अपना बच्चा है, अब इतनी बड़ी चीज बना रहा है तो तू भी थोड़ी सी मदद कर दे बेटे, तब जाके बनी मुगले आजम। आप तो हर जगह बहुत पहुंचे हुए हैं मनु भाई। अब क्या करें, नाम ही ऐसा है, मनु भाई रजनीकांत श्रॉफ, फुल स्टॉप। हाँ। अकेले आए हो ना? हल्ला मुल्ला नाचेंगे खुल्ला खुल्ला, तुतुरु तुरुरुरुरु।
तखलिया माने उर्दू में बोलते आउट एग्जिट तखलिया। शहंशाहों के शहंशाह बादशाह अकबर जिल्ले इलाही मुगले आजम तशरीफ ला रहे हैं। ओह दैट्स गुड। शहजादा सलीम एक मामूली सिरक्का सा हमारे महल की शान नहीं बन सकती, ये एक नापाक हरकत होगी। और फिर सलीम बोलते हैं जिल्ले इलाही ये सलीम अनारकली को इख्तियार दे चुका है। दिलीप कुमार और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अनारकली से अलग नहीं कर सकती है। शाहरुख़ सुना आपने? सुन रहे हैं आप? और उसके बाद लड़ाई शुरू। खूब घोड़े भागते चले आ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं, चक 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 घोड़ियां भी भाग रही हैं। वो भी? हाँ सब लगी हुई है, इधर से AK-47 खच 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 खच, उधर से एक एंगल खटपट खटपट, हाँ सब लगे हुए हैं, बम गोले धुड़ू में आर्टिस्ट तोपें लगी हुई हैं, खर्चे पे खर्चा प्रोड्यूसर का, इधर से म्यूजिक बैकग्राउंड पै 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 200 वायलिन डें 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 टक चुक टक चुक टक चुक टक पै 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 डें डें म्यूजिक बज रहा है। शहजादा भी हैरान, शहंशाह भी हैरान, ये म्यूजिक कहां से बज रहा है? फिर इंटरवल, अपना वड़ा पाव बेचो, समोसे बेचो, पॉपकॉर्न बेचो, पैसे पैसा। भाई मैं कैंटीन की बात नहीं करता हूँ, अंदर पर्दे पे क्या हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं दोनों तरफ की इनकम बता रहा था, अंदर इंटरवल के बाद सुपर हिट सॉन्ग आपने लिखा है, सुनाइए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या। मैडम इसको नया टच देते हैं। हाँ। रिमिक्स नई म्यूजिक इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ। नई म्यूजिक यू बेबी जब प्यार किया तो डरना क्या, टक चुक डुक चुक टक चुक डुक इकरार किया तो डरना क्या। चलो बाहर निकल, बाहर निकल। क्यों क्या हुआ? बाहर निकल ना, तो जूता खाएगा। बाहर निकल तो दो, बाहर निकल। अरे चलो कन्विंस दो यार, बाहर निकल। कमाले भगा रहे यार साले, एक्टर बनने आते रोल नहीं मिलता तो साले राइटर हो जाते हैं। बेबी एक काम करो, तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, 10 लाख का इंतजाम करो, मैं सलीम और जावेद दोनों को मिलाता हूँ, दोनों को मेल कराता हूँ और एक नई दीवार बनाता हूँ शाहरुख और आमिर के साथ। तुम 10 लाख का इंतजाम कर दो। शाहरुख और आमिर? या दोनों को लाख रुपए साइनिंग दे दूंगा, दोनों छोकरे खुश हो जाएंगे, फुल स्टॉप। मनु भाई यू आर अ टाइगर। माँ क्या हुआ? डैडा वो जो गुंडे लोग हैं ना, वो हमारी स्कूल के बच्चों को नशीली चॉकलेट्स खिलाते हैं। कितनी दो बेटा? दो ही चॉकलेट, ये ले। ठीक है अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। बाय माँ। बाय डैडा। बिंदास का मस्त चॉकलेट है। देख, इतना टेस्टी चॉकलेट कहीं नहीं मिलेगा तेरे को। क्या चलो बच्चों अपनी क्लास में जाओ, जाओ चलो जाओ।
क्या ये सब? चले शाने शाना बन चल। बस आंटी बस, और नहीं खा सकती। अरे अभी तो आधी लिस्ट बाकी है, शाम को आके खा लूंगी। अच्छा शाम को? शाम को आपको बुलाया किसने? क्यों, ये मेरी बेटी है, जब चाहे आ जाए। बेटी? लेकिन आप तो मेरी आंटी है, मैं आपकी बेटी कैसे हुई? मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ, है ना डैडा? हाँ बेटे। वैसे कोई बात नहीं, हम अदला बदली कर लेंगे, मम्मी को यहाँ भेज देंगे और आंटी को घर ले जाएंगे। देखा बेबी, इसे कहते हैं मुहूर्त। वो चैंडेलियर देखो, 1.5 लाख का भाड़ा लिया है। देखा कैसे सब मुख से शराब पीने आ गए हैं। अब मिलाता हूँ, ये हमारे उद्योग मंत्री अनिल कुमार शिंदे हैं। नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा इल्लीगल फाइनेंस, गैर कानूनी फाइनेंस है। दिल के इतने अच्छे इंसान है कि सिर्फ नई लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। अच्छा, मतलब भाई वो। अरे तिवारी जी, आ बेबी। ये तिवारी जी है, नए नए चेहरों को ढूंढना इनका काम है। बेबी, वीटी स्टेशन और बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे जो भी कोई गाड़ी आती है उसमें से पैसेंजर से ज्यादा स्ट्रगलर लोग उतरते हैं। अच्छा। एक्टर बनने के लिए इनके पास वीटी स्टेशन और बॉम्बे सेंट्रल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। ये वहाँ के सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। ये सुबह की पहली गाड़ी से उतरे थे। मनु भाई, शाहरुख खान नहीं दिख रहा कहीं? हाँ भाई, किधर हो? असली माल भेजना, 30 बॉटल जॉनी वॉकर चाहिए। हाँ, ब्लैक लेबल। बहुत बड़े लोग आए, आज ही तो वो घर पे लेके जाएंगे ना। हाँ असली बेटा, ठीक है, ओके। मनु भाई, शाहरुख खान कहाँ है? नहीं बेबी, यार मेरा झगड़ा हो गया शाहरुख से, नाम मत लो उसका। हाँ, बोल रहा था कि 99 में आओ, डेट नहीं है अभी। तो क्या शाहरुख को निकाल दिया? बेबी, जब वो सर्कस सीरियल में गुलाटी मारता था ना, तब मैंने उस लड़के को बोला था कि तेरे में कुछ है, तू आगे जाकर कुछ बनेगा। डेफिनेटली। अब वापस मैंने उसको सर्कस नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी मन्नू भाई रजनीकांत श्रॉफ नहीं, फुल स्टॉप। लेकिन मन्नू भाई, बिना शाहरुख के मुहूर्त कैसे होगा? अरे अपना संजू बाबा है ना। संजू? हाँ संजू। ये क्या तमिल पिक्चर की तरह टैं टैं टैं, तीन तीन बार मुंडी घुमाता है शाहरुख, कक 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 करता है, ये तीन तीन बार मुंडी घुमाता है। आ जा बेटा, आ जा। बेबी ये संजू, मेरा मतलब है रशीद खान। आजकल मार्केट में बहुत खान घूम रहे हैं ना, तो हम भी अपनी तरफ से छोड़ देते हैं। ये खान सबकी छुट्टी कर देगा, हाइट में भी बड़ा है ना। लेकिन मनु भाई, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए थे शाहरुख को साइन करने के लिए। वही तो बचा कर मुहूर्त में लगाया है ना बेबी। ये देखो, ये शैंडेलियर देखो, ये कितना महंगा है। ये पार्टी, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये पब्लिसिटी, सब काम A1 होना चाहिए, समझे? अच्छा? शाहरुख को साइन नहीं करने का यही तो फायदा है। अरे प्रवीण भाई, मैं अभी वीडियो राइट्स बेच के आता हूँ बेबी। हाँ चाहिए वीडियो राइट्स, झूमर, पब्लिसिटी। लो आ गई मेम साहब। थैंक यू। आ
आओ बेबी, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। नहीं मानो भाई, मैं खुद ही चले जाऊंगी, रहने दीजिए ना। खुद चली जाओगी? तो मानो भाई क्या कर रहे हो? मानो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उसूल है, इस हाथ दे तो इस हाथ ले ले लेगा क्या? सब कुछ, मतलब धन दौलत इज्जत, तो फिर बचेगा क्या? हजामत। अच्छा बोले। मुझे बहुत महसूस होता है राम, अपनी छोटी सी परी के लिए। कहते हैं माँ के बिना बचपन अधूरा रह जाता है, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, कैसे करूं? मंत्रा तो किसी की बात भी नहीं समझती। कुछ भी करो राम, कैसे भी उसे एक माँ ला दो। ला दो ना उसे एक माँ। क्या कह रहे हैं आप मनु भाई? ये नहीं देखा लगता है आपने? अरे ये तो देखा है मैंने, लेकिन अखबार वाले ना जाने क्या क्या लिखते हैं। इनकी तो मैम, इनकी नहीं, अपने उनकी बात करो। उनकी किन? अपने राम भगवान की। किशन कन्हैया का रोल पकड़ कर रखा है आजकल, रास लीला कर रहे हैं। नहीं। क्या नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो मत करो मेरा यकीन। पहले से ही आधी लॉटरी तो वेटर्स के नाम पे न्योछावर हो ही चुकी है, बाकी की आधी भी उसी के हाथ में थमा देगा, और फिर टापती रहना तू। मैं उस कमीनी को छोड़ूंगी नहीं। अब वो कमीनी क्या करेगी बेचारी, कृपा तो अपने राम जी की है ना। अरे उसके सर से उसके इश्क का भूत मैं निकाल दूंगी। हाँ, घर से बाहर नहीं निकाल दिया उसे तो मेरा नाम भी मंथरा नहीं। यस, ये हुई ना बात। अब ठीक है। मैं तुम्हें मार। दीपा, तुमने देखा आज का अखबार? जाने क्या क्या लिख दिया है मेरे और राम जी के बारे में। हम उखा उन्हें घसीट लाए। ये अखबार वाले भी ना एक शरीफ आदमी को चैन से जीने नहीं देंगे। तुम सुन रही हो ना? पता नहीं क्या सोचते होंगे राम, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। कहीं वो मुझसे मिलना ही ना बंद कर दे। मालूम है अगर ऐसा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं उनके बिना अब रह नहीं सकती। और हमरे बिना तुम? हम तुम्हारे पति हस्बैंड मोतीलाल बिहारी पीयू के पिया। आज रहे हम बड़े बुरा बड़े गजब का लिखे ससुरा इंस्पेक्टर और रेस्टोरेंट वाले माँ प्यार बेस्ट माँ मान गए पीयू मान गए। अरे तुम तो हमारे खेला में अमीगो बछा दिए। ना जाए सालुका नहीं। शकल से मैं क्या लगती हूँ तुम्हें? क्या लगती हूँ तुम्हें? हाँ? और ये क्या? What is this? The man with the golden heart is having an extra marital affair? कह दो कि ये झूठ है। कह दो ना कि झूठ है। तुम तो कहोगे ही? और ये फोटोग्राफ चिपक चिपक कर खड़े हो इसके साथ। कह दो ये फोटोग्राफ भी झूठ है? तुम तो कहोगे ही? ये तो सिर्फ फोटोग्राफ है। न जाने और क्या 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 होगा तुमने इसके साथ। क्यों उस बेचारी पर वाहियात इल्जाम लगा रही हो? बेचारी 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 को तुमने 2.5 करोड़ रुपए दिए, फिर बेचारी को तुमने रेस्टोरेंट खरीद कर दे दिया, फिर बेचारी के साथ रोमांस करना भी तो बहुत जरूरी था, तो बेचारी के साथ रोमांस कर लिया। What do you think, I'm stupid? क्या कर लोगी? पुलिस को बुलाओगी? अरे हम डायल करते हैं फोन नंबर पुलिस का। अरे तुम्हारा उसका क्या नाम है उसका? राम प्रसाद जी, नंबर का है? गजब। अरे एक फोन वा कर दोगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये थोपड़ा वैसे भी कहाँ छपे अखबार में, और कितना अच्छा लगेगा हेलनवा के साथ के एक रेस्टोरेंट वाली के साथ उसका हैंडसम हस्बैंड विग पहन का फोटो खिंचाएंगे तुम्हारे साथ। और फिर शादी में कहाँ खींचा था वो फोटो वोटो? शादी वो शादी नहीं, धोखा था। एक नाबालिग के साथ गैर कानूनी शादी थी, मुझे बेचना चाहा था तुमने। अखबार वालों पर भरोसा मत करो मंत्रा, सरासर झूठे है ये लोग। जब से हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है ये लोग। हमारी 5 करोड़ की? ये हमारी कहाँ से आ गया? हमारी नहीं, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी। मेरी मेरी मेरी, पापा ने मुझे दिलवाई थी। और ये घर भी मेरा है, मेरा। पापा ने मुझे दिया है। यहाँ सब कुछ सब कुछ सब कुछ मेरा है, मेरा। अंडरस्टैंड? लेकिन डैडी भी तो आपके मम्मी। तू चुप रह, अपने घर की चमचागिरी करती है। सावधानी कर अपने पाप की, मैं तुझे छोड़। बस बहुत हो चुका, तुम होश में नहीं हो। ये घर ये सब कुछ तुम्हारा है ना, तुम्हारे पापा का दिया हुआ ना, तो रखो अपने पास। हम जा रहे हैं, तुम्हारे पापा के घर को छोड़कर जा रहा हूं। चलो मां, चलो बेटे। चाहे आखिर हो ही गया। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सर।
अरे हमारे बापू का भी स्वतंत्रता दिन आ ही गया। आजादी मिल गई उन्हें। लो आगे। बहुत बर्दाश्त किया बापू ने। राम राम। बेटी को मारा होगा इसलिए आज घर छोड़ दिया। मनु भाई कहा था ना आपसे, घर से ना निकाल दिया तो मंथरा नाम नहीं मेरा। I am your nice baby, na tiger. लगता है उस बुड्ढे को लेकर तो हमसे आज तक खफा हो, लेकिन वो बुड्ढा तुम्हारा बिगाड़ भी क्या लेता है? फकत 10 मिनट के मज्जे के लिए डेरो नोट भी तो दे रहा था कि नहीं? बास्टर्ड। और एक तुम हो, बेचारे बुड्ढे का टिकट ही कटवा दिया। राम 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 राम। चलो जो होना था सो हो गया, अब तो हम माला माल हो गए हैं, अब तो हमें वैसे भी किसी बुड्ढे का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस तुम एक काम करना, राम प्रसाद के साथ अपना चक्कर चलाती रहना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे राम कसम, तुम्हारे जैसा कमीना आदमी हम आज तक नहीं देखे हैं। क्यों, हम पिछले 3 साल से नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारा डायलॉग नहीं बदला। हमारे साथ रहोगी ना तो नया नया लाइन सिखा देंगे राम कसम। तुम यहाँ से निकलते हो या नहीं? और हम बोले ना तो? तो ठीक है, मरो यहीं, मैं जा रही हूँ। दीपा तुम्हें जूते मार के बाहर निकालेगी। हम भी तो जाने जा कहाँ रही हो? जहन्नम में। जहन्नम में? जहन्नम में इसका क्या काम? खैर मोतीलाल बिहारी है हमारा नाम। अरे रामप्रसाद तुम इस वक्त? आओ आओ आओ, सब खैरियत तो है ना? अरे कौन आया इस टाइम को? अरे बापू तू, अरे रात के 12:30 बज रहे हैं, कौन सी फिल्म का नाइट शो देख के आ रहे? ओ समझा, अकेले हम अकेले तुम फिल्म की स्टोरी तेरी लाइफ में भी चालू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि उधर हीरो घर के अंदर था, तू घर के बाहर है। कोई बात नहीं बापू, आ जाओ बेटा। पर बापू तेरी और पिया की अखबार में फोटो पे फोटो छप रही हैं, पब्लिक सिटी हो रही है। ए सलमा खर्राटे बनकर देख कौन आया है। पब्लिक सिटी हो रही है कि तेरा और उसका लफड़ा चल रहा है, तो मंथरा तेरे से झगड़ा करके तेरे को घर से बाहर तो धकेलेंगी। अब धकेल दिया तो धकेल दिया, जब तक तेरा इंतजाम कहीं कुछ और नहीं होता ना, तू अपना बिस्तरा इधर ही बिछा। सोच के तो यही आया था भाभी, लेकिन बच्चे बहुत है ना, अब क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, अल्लाह की देन है। अच्छा सलमा इनको बच्चों का अरेंजमेंट बताए देते हैं। ये दो बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर के 5 बच्चों में से एक बच्चा अंदर आएगा, अंतरा बेबी बाहर सो सकती है। मैं और सलमा बिस्तर पे नहीं, मैं हमीद भाई के कमरे में चला जाऊंगा, सलमा बाहर चली जाएंगी, तू नीचे सो सकता है। इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई, 2 दिन की बात है, हम दोनों होटल में रह जाएंगे। नहीं डैडी, मैं होटल में नहीं रहूंगी, मैं जिब्रान भैया के साथ रहूंगी। ले भाई, बेबी ने तो नीचे सोने का फैसला कर लिया, अब तू बता तेरा क्या प्रोग्राम है। इकबाल भाई 2 दिन की बात है, मंत्रा का गुस्सा ठंडा होते ही बाप बेटी दोनों घर चले जाएंगे, तब तक होटल में रह लूंगा। आप तकल्लुफ कर रहे हैं भाई। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है भाभी, मैं होटल में रह जाऊंगा। खुदा हाफिज़ भाभी। खुदा। इकबाल भाई बेटा किसी को सताना मत, ओके, बी अ गुड गर्ल। खुदा हाफिज़। जैसी तेरी मर्जी। थैंक यू। मे आई हेल्प यू सर? जी मुझे एक कमरा चाहिए। श्योर सर। गुड इवनिंग मैम, आप भी इनके साथ हैं? पिया तुम? क्या अजीब इत्तेफाक है। वुड यू लाइक टू हैव अ डबल रूम सर? नहीं नहीं, अलग अलग कमरे चाहिए। वेल ऑफ कोर्स सर, दिस इज योर की। And ma'am, this is your key. Bellboy, luggage. Thank you. You're welcome, sir. मजे कर रहे हैं? ये वही लॉटरी वाला कपल है, मैंने भी तो उनको साथ वाले कमरे दिए। तुम यहाँ रहा? बस, और तुम? बस, कुछ हालात ही ऐसे थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरे भी हालात ही कुछ ऐसे हैं। इन प्रेस वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। Thank you.
वाकई अजीब इत्तेफाक है। लगता जानबूझ के हमें स्वीट रूम दिया गया। और हॉल कॉमन है। मैं चलूं? थोड़ी देर रुको ना राम।
अब बिसुरने से क्या फायदा, रो रो के आंखें खराब कर रही हो अपनी। राम प्रसाद जी आने वाले नहीं है, लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, समझ लो। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस चुड़ैल के साथ गुलझरे उड़ाए रात को। उस कमीनी में से है क्या मनु भाई? उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। क्या करोगी, उसके मुँह पे तेजाब फेंकोगी, राम से की हीरोइन बनाओगी उसको? तो मैं क्या करूँ मनु भाई, आप ही बताइए। करवा चौथ के दिए जला कर बैठूं, सारा मोहल्ला हंस रहा है मुझ पर। आई नो इट बेबी, तलाक ले लो। तलाक? हाँ तलाक, इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है। लेकिन मन्नू भाई मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ, तलाक की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बेबी बेबी, वजह होती नहीं है, वजह बनानी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, समझी। अब ये सोच लो बेबी कि तुम्हारे पति का तुम पे अत्याचार, हाँ ये कैसी वजह है। राम का मुझ पे अत्याचार? मैं जानता हूँ है उल्टा, लेकिन अब क्या करें बोलो। लेकिन वो झूठ तो होगा ना। एक काम करते हैं, हमें ना माला सिन्हा की 3-4 पुरानी फिल्में देखते हैं, उसमें तो कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। अब माला सिन्हा किस काम आएगी है? लेकिन फिर मेरी अंतरू का क्या होगा? तुम्हें अंतरू चाहिए? नहीं बेबी, क्या है कि फिल्म लाइन में बेबी की गोद में बेबी ये बात जमेगी नहीं बेबी। और हीरोइन तो अपनी इमेज बनाने के लिए आजकल अधेड़ उम्र तक शादी भी नहीं करती है, और करती भी है तो छुपा के रखती है। लेकिन मनु भाई लोग क्या कहेंगे, कहेंगे बेटी को छोड़ दिया वो। ओ, हमेशा उल्टा सोचती हो तुम, थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो। लोग ये कहेंगे कि बेटी ने बाप के लिए माँ को छोड़ दिया, माँ के लिए रह गई, उदास बन के ममता की कुर्बानी दी। और हिंदुस्तानी औरत के साथ ये सेक्रीफाइस की बात बड़ी अच्छी तरह से जाती है, एक इमेज बनती है, समझा करो तुम। राखी जयाप्रदा बनती है। और बेबी मनु भाई की इमेज का भी तो ख्याल रखो, अब इस उम्र में बेबी का मनु भाई हमारे लिए तो एक ही बेबी है, हमारी बेबी। अरे हमारे साथ रहोगी ना तो नेक्स्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड दिला दूंगा, टॉप की हीरोइन बना दूंगा, समझे। फिल्म फेयर अवार्ड? अंतरा ने तलाक मांगकर अच्छा नहीं किया, ज्यादती का इल्जाम लगाया मुझ पर। कब की मैंने उसके साथ जाती? मैं तो उसकी हर बात मानता आया हूँ। डैडी मम्मी इसलिए नाराज थी कि आपकी और आंटी की फोटो अखबार में छपी थी। प्लीज माँ प्लीज। सच्ची तो कह रही है, सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मुझे लॉटरी के पैसे तुम नहीं देते तो ये सारा कुछ नहीं होता। अच्छा वो डैडी ने आपको रुपए दिए, नहीं तो आप कभी नहीं मिलती। माँ समझा करो, तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। तो होने दो ना डैडी, वो कौन सा हमारे साथ रहना चाहती है। अच्छा अब आंटी ही हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं कहते बेटे, वो तुम्हारी माँ है। गुड इवनिंग बापू। गुड इवनिंग पिया जी, ये लो आपकी मैडम ने शकुनी मामा से सांठ गांठ करके एक नया पासा फेंका है। ये तो कोर्ट का नोटिस है, मंत्रा ने लॉटरी के पैसों का दावा किया है, अब इसकी क्या जरूरत। ओफो बापू, तेरे को कैसे समझाऊं कि टेढ़े लोग सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश कभी नहीं करते, और आपकी मैडम तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हैं। लेकिन मैं तो लॉटरी के पैसे उसे देने के लिए हमेशा तैयार था। मैं जानता हूं कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, और फिर उसकी जरूरतें भी ज्यादा है ना। लेकिन मामला कोर्ट के बाहर भी तो सुलझाया जा सकता था, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी। पिया जी इनकी मैडम का नाम है मंथरा, उन्होंने अपना हक हमेशा लड़कर ही लिया है। लड़ाई की नौबत आने ही नहीं दूंगा, सारे पैसे उसे ही दे दूंगा। और आप कहाँ जाएंगे बापू, तीर्थ यात्रा पे जाने का इरादा है? खुद के लिए काफी कमा लेता हूँ इकबाल भाई, इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद, मैं मानता हूँ कि लॉटरी का टिकट आपने अपने पैसों से खरीदा था, अपने पैसों से। आप जरा ये बताएं कि आप लिपस्टिक पाउडर रूज वगैरह भी अपनी बीवी के लिए खरीदते हैं या नहीं? जी खरीदता हूँ। अपने पैसों से खरीदते थे? जी हाँ। तो क्योंकि ये आप अपने पैसों से खरीदते थे, लेकिन आपने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि ये पाउडर लिपस्टिक वगैरह वगैरह आपके लिए है या आपके इस्तेमाल के लिए है? नहीं, लेकिन आप क्या? तो फिर लॉटरी के पैसों पर दावा क्यों इंस्पेक्टर राम प्रसाद, क्यों? एक छोटे से रेस्टोरेंट की एक अनजान वेटरेस को आपने 2.5 करोड़ रुपया टिप के नाम दे दिया, टिप के नाम, क्यों? मैं पूछ सकता हूँ क्यों दे दिया? मैंने वादा किया था। वादा? कैसा वादा? प्यार का वादा? जन्म जन्म के प्यार का वादा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसे सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है,
मिलाव ताल्लुक है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद का एक मामूली वेटरेस को यूं 2.5 करोड़ रुपया टिप में दे देना महज दरियादिली नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है मिलोट। इसलिए आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस पिया को अदालत में पेश किया जाए। पिया जी, आपको राम प्रसाद जी कैसे लगते हैं? मैं उनकी कद्र करती हूं। आज के जमाने में उनके जैसा कोई भी मिलना बहुत मुश्किल है। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? बात कहीं तक नहीं पहुँची है। आप जैसे लोग राम को नहीं समझ सकते, वो आपकी छोटी समझ और गंदे ख्यालात से बहुत ही ऊपर हैं। हाँ हाँ, वो तो होंगे ही, क्योंकि मुझे 2.5 करोड़ जो नहीं दिया। वैसे एक बात और मेरी समझ में नहीं आती मिस पिया, आई एम सॉरी मिस या मिसेज पिया कहूँ आपको, आपकी शादी तो हो चुकी है ना? क्या बात है, आपको ये भी याद नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? शादी हुई थी लेकिन वो गैर कानूनी थी। तो आपकी शादी हो चुकी है, फिर शादी के बाद 5 साल आपने रिमांड होम में बिताए, क्यों? आप जवाब नहीं दे रही मिसेस पिया वर्मा, आप रिमांड होम क्यों गई थी बताइए ना। खून के इल्जाम में मिलोट, खून के इल्जाम में। हाँ तो मोतीलाल बिहारी जी, आप काम क्या करते हैं? धंधा करते हैं जी, दलाली का। बिहारी जी, आपका कहना है कि 5 साल पहले पिया वर्मा से आपकी शादी हो गई थी? जी हाँ, हमीद है, हमीद से भी आई थी पियो। बिहारी जी, आप दोनों पति पत्नी के संबंध कैसे थे? कहा हुजूर? अरे मेरा मतलब है बिहारी जी कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा था? काहे का रिश्ता हजूर, इसके ससुर माँ बाप छुटकने में ही स्वर्ग से धार गए, हम तो तरस खा के इसके मांग में सिंदूर भर दिए। बहुत बड़ा गलती क्या हजूर, बहुत बड़ा गलती। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? अब कहा साफ साफ बताएं हजूर, पियू तो गांव के जमींदार से पहले ही अपनी नस उतरवा चुकी थी। बिहारी जी आपको याद रहे ये बात आप अदालत में कह रहे हैं? कहीं भी बोल दे हजूर, ताल ठोक कर बोल दे हजूर, बताए बहुत फजीयत की है हमारी हजूर, बहुत फजीयत की है, हमारी इज्जत को गोल कर पी गए हजूर। अब राम जाने कहा कितने लोगों के साथ रंग रलियां मनाई होगी, वो भी सिर्फ पैसों की खातिर हजूर, हमको तो बोलने में भी शर्म आया हजूर। और कुछ बताना तो हम बता। अब नहीं, बस आप जा सकते हैं। मिलोर्ड, इंस्पेक्टर राम प्रसाद हर जगह यही कहते फिरते हैं कि ये उनका वादा था, इन्होंने अपना वादा निभाया। ये कैसा वादा था मिलोर्ड कि एक इंसान 2.5 करोड़ रुपए किसी को अपने वादे के लिए दे दे? मिलोर्ड, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, अगर कोई इंसान है तो या तो सरफिरा है या बेवकूफ। लेकिन जहां तक राम प्रसाद जी का सवाल है, वो ना तो बेवकूफ लगते हैं और ना ही सरफिरे। हाँ, इन्हें बेवकूफ जरूर बनाया गया है, और वो बनाया है पिया वर्मा ने। इन पर डोरे डालकर, इन पर इज्जत आकर, इन्हें सब भाग दिखाकर, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए था। मिलोर्ड, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये एक ऐसी औरत है जो पैसे के लिए किसी की रखेल बन सकती है। इसने मंथरा जी के बसे बसाए घर में आग लगा दी सिर्फ अपने मतलब के लिए। मिलोर्ड, ये औरत के नाम पर घिनौनी शक्ल है। बस वकील साहब, बस
बहुत हो चुका, बहुत कीचड़ उछाल दिया आपने, सिर्फ पैसों के लिए, 2.5 करोड़ रुपयों के लिए दे दिए मैंने 2.5 करोड़ रुपए मंत्रा को। चाचा, भरी अदालत के सामने आज मैं कबूल करता हूँ कि लॉटरी के सारे पैसों पर सिर्फ मंत्रा का ही हक है। ये रुपये मैंने किसी को अंधेरे में नहीं दिए, दिन दहाड़े दिए, खुलेआम दिए, और आपकी अदालत ने इसे साजिश करार दे दिया। और वो औरत जिसे ना ही अपने परिवार की चिंता है, ना ही अपनी औलाद की, जो ना ही एक आदर्श पत्नी है और ना ही माँ, उसे आपकी अदालत ने देवी का खिताब दे दिया, मंत्रा देवी। पिछले 10 साल से मंत्रा ने सिर्फ अपना सिंगार किया है, अपने घर का नहीं, उसे सिर्फ अपने आप को पाला है, अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं। जज साहब, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं, उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं। जिस औरत ने उसे मां का प्यार दिया, आपने उसे रखेल करार दे दिया। जिस औरत ने उसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, आपने उसे वैश्या का खिताब दे दिया, उसे रखेल करार दे दिया। मिलाट रखेल पिया, मुझे माँ चाहिए डैडी। हाँ बेटे, हाँ।
यस सर, यस सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। ए बापू, पिया की खबर मिली? कोई खबर नहीं, पता नहीं कहां गई। हर वो जगह ढूंढा जहां मिला करते थे, पता नहीं वो मिलेगी भी या नहीं। मिलेंगी बापू, जरूर मिलेंगी, तू फिकर क्यों करते? फिकर, फिकर तो अब हो रही है मुझे इकबाल भाई, जब महसूस होने लगा कि अंतरा को माँ जैसे माँ मिलेगी। जिंदगी की गाड़ी दो पहिए पर चलती है इकबाल भाई, अगर पिया मुझे नहीं मिली तो। तू मायूस काहे को होता है? अच्छा एक बार बता, तू उसको रेस्टोरेंट पे देखने गया था? कई चक्कर लगाए, वो उधर जरूर वापस आएंगी, मंथरा को पैसे जो चुकाने। देख रेस्टोरेंट दो दिन में जब्त होने वाला है, तू एक बार उसको देखने उधर चला जा, मेरा दिल बोलता है वो तेरे को जरूर मिलेंगी। आप कहते हैं तो चला जाऊंगा। डैडी हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ बेटे, खुदा हाफिज़ इकबाल भाई। चले आए हो, जाओ इससे पहले कि मेरी पत्नी सीधी तुम्हारी जान ही ना ले ले। हम एक दूसरे से ना ही मिले तो अच्छा है। ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बस तुम जाओ यहाँ से। जिस दिन से तुम मिले हो मम के सिवा मैंने तुम्हें दिया ही क्या है। तुम्हारी दौलत लूट ली, खुशियाँ छीन ली, तुम्हारा घर उजाड़ दिया, आग लगा दी तुम्हारी जिंदगी में। बस प्रिया बस, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मुझे जिंदगी दी है, प्यार दिया है, प्रिया मैं तुम्हारे बगैर। खैर तुम्हें क्या मालूम मैंने ये तीन दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं। खुशी क्या होती है मैंने तुम्हीं से सीखी है। रुपया पैसा धन दौलत मुझे किसी की ख्वाहिश नहीं थी,
इनका तो मैंने सोचा भी नहीं था, तुम इतना भी नहीं समझ सके। प्रिया, तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर पल के लिए मैं हजारों ऐसी दौलतें खोने के लिए तैयार हूँ। नहीं राम, प्लीज, मेरी बदनसीबी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझसे और तुम्हारी ये बर्बादी नहीं देखी जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। कौन कहता है तुम मेरी बर्बादी हो प्रिया? कौन कहता है मैं बर्बाद हूँ? सब कुछ तो है मेरे पास, एक इज्जतदार नौकरी, ईमानदारी से रहने का हौसला, एक प्यारी नन्ही सी बेटी, क्या नहीं है मेरे पास? कौन छीन सकता है ये मुझसे? अगर कमी है तो सिर्फ एक। याद है प्रिया तुम कहा करती थी, अंतरा को एक माँ की जरूरत है, मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है प्रिया। अब अगर तुम लौट गई तो इस बेचारी के लिए माँ कहाँ से लाऊंगा? मैं समझाती हूँ डैडी। आंटी, अब मैं आपको आंटी नहीं कहूंगी, मैं आपको माँ कहूंगी। माँ, मान जाओ ना मम्मी, प्लीज मान जाओ ना मम्मी, मान जाओ ना मम्मी, प्लीज मान जाओ ना मम्मी, मान जाओ ना मम्मी, प्लीज मान जाओ ना मम्मी, प्लीज प्लीज हाँ बोल दो ना मम्मी, प्लीज हाँ बोल दो ना मम्मी, प्लीज हाँ बोल दो ना, हाँ बोल दो ना मम्मी, प्लीज। क्या क्या करना होगा मुझे? क्रिकेट सीखना होगा। क्रिकेट? हाँ, मैं सिखाऊंगी आपको, हम लोग रोज शाम को क्रिकेट खेलेंगे। तेंदुलकर भी इन्हीं के पास सीख कर गया था, राइट माँ? सुनिए जी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अब तो ये होटल बंद हो गया है। वैसे ठहरिए, शायद कोई पाव रोटी बची हो, आप अंदर तो आइए। देखिए, एक टुकड़ा भी मिल जाए तो मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी, मैं पानी के साथ खा लूंगा। नहीं नहीं, पानी क्यों, मैं चाय बनाती हूँ, आप बैठिए। नवभारत टाइम्स का एक संवाददाता पलाश सूर्य, पिछले कई दिनों से आपको वेट्रेस, पुलिस वाला और उसकी बेटी की कहानी सुनाते आया। आज उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने के बाद मैं खुद एक गरीब आदमी बनकर उनके रेस्टोरेंट में गया। अपना सब कुछ खो जाने के बाद भी उस भली जोड़ी ने इस भूखे का पेट भरा, यहाँ तक कि बस पकड़ के जाने को पैसे भी दिए। तो कब शुरू हो रही है हमारी फिल्म मनु भाई? फिल्म के धंधे को भूल जाओ बेबी, फिल्मों का बहुत बुरा हाल है आजकल। अभी देखो ना, दिल से ऐसी फ्लॉप हो गई है, पानी तक नहीं मांगा। मनु भाई, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मनु भाई, पुराने मकान पर गई तो पता चला कि वो किराए का था। मनु भाई, हमारी फिल्म कब कम्प्लीट हो रही है? फिल्म? बेबी, ये 5 करोड़ में फिल्म बनाने चली है, और 4-5 करोड़ ले आओ तो फिल्म पूरी होगी, वरना इसमें तो ट्रेलर भी नहीं बनता आजकल। और हमारी शादी, आपके कहने पर ही तो मैंने राम को भी डिवोर्स दे दिया है। शादी और मुझसे? अरे, जो औरत अपनी एक छोटी बच्ची की नहीं हुई, जो औरत एक महात्मा जैसे आदमी को छोड़ के आ गई, वो मुझसे शादी करेगी? बदजात, बाहर निकलती कि मुंह पे जूता मारूं? मुझे जूते मारेगा, कमीने, फ्रॉड, मेरे सारे पैसे खाकर मैं तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी, क्या तू क्या करेगी, दुबई फोन करेगी? अब ऐसी कमीनी औरत का तो भाई लोग भी साथ नहीं देंगे। चल जा, वरना गुरखे से लात मरवाऊंगा। मेरा मन्नू भाई, मैंने भी तेरे तेरे नाम की सुपारी ना दे दी तो मेरा नाम भी मथुरा नहीं। पान में खाने को सुपारी है नहीं, सुपारी बांट रही। हाँ बेबी, मैं क्या बोल रहा था, पैसे लगाने की बात कर रही थी ना। फिल्म का धंधा भूल जाओ, शेयर बाजार में लगाओ। शेयर बाजार में आजकल बहुत प्रॉफिट है। अभी टीना का फोन आया था। टीना मुनीम बोल रही थी, मन्नू भाई, धीरू भाई बहुत परेशान है, शेयर्स बेचना चाहते हैं। अभी क्या है बेबी, मेरे पास 30% का तो इन्वेस्टमेंट है, तुम 25% लगा लो।
तो हम L&T कंपनी के मालिक हो जाएंगे। L&T कंपनी? हाँ। मुनाफा कितना होगा मन्नू भाई? Sky is the limit, baby, sky is the limit। और मन्नू भाई ने शेयर बाजार की दुनिया में मेरा नाम है हर्षद भाई, हर्षद भाई रजनीकांत श्रॉफ, फुल स्टॉप। अरे ये सब क्या है? चलो देखते हैं। वो तो वो चलो 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 अंदर चलो। ओह माय गॉड, इतनी सारी चिट्ठियां। टू इंस्पेक्टर राम एंड पिया। पैसे? Ram and Piya, we are proud of you from well-wishers. Ram and Piya, bhali jodi. Agar aapke jaise sab ho to kitna acha ho, shubhchintak. Daddy, ye kisi choti ladki ne bheje, 50 rupaye. राम और पिया की इस भली जोड़ी का साथ सारे हिंदुस्तान ने दिया। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, हर नौजवान ने इनको अपनी हैसियत के मुताबिक मदद की। इसी तरह से पिया ने अपना नीलाम होता हुआ पोकल बचा लिया और राम ने फख्र के साथ अपनी पुलिस की नौकरी। और बेटी अंतरा ने, मैं अंतरा अपने डैडी राम प्रसाद की शादी पिया से तय करती हूँ, आप लोग जरूर आइएगा।